ये दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं ये लेटेस्ट वीडियो। आटा ना मिला मौत मिल गई, मुफ्त आटे के हुसूल की मासूम ख्वाहिश हुकूमत की नाअहली के भेंट चढ़ गई। चंद रोज में जांबुज में जांबा अफराद की तादाद 6 हो गई। चार सदा में भी सस्ता बाजार में भगदड़ मच गई, एक शख्स की जान चली गई। दाल चावल तो हिंदू खाता है, हिंदू खाएगा दाल चावल, खाने दो उसको, सब्जियां खाएगा, वेजिटेरियन है। अल्लाह की तरफ से जितनी दावतें होती है गोश्त ही होता है। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मुस्लिम्स हैं जो रोजे रख रहे हैं, तो सांस ज्यादा मत लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के हालात तो आप सभी को पता ही हैं कि फिलहाल कितने खराब हैं। वहां पर एक खबर निकल के आई थी कि मतलब जो 1000 CC से नीचे वाली कार वगैरह होंगी उनको मतलब 100 रुपये जो है कम में पेट्रोल वगैरह मिलेगा, लेकिन जैसे ही IMF ने मतलब कर्जे के लिए अभी मना कर दिया है तो फिर दोबारा से सबके लिए वही रेट लागू हो गए। एक दूसरी खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि फिलहाल आपको पता ही है कि इनके रोजे चल रहे हैं और इनके रोजों में जो मौलाना है वहाँ के मौलाना जो है वो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि इन्होंने खाने को भी एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग उसे जोड़ दिया गया है। ये कह रहे हैं कि दाल चावल मत खाओ, दाल चावल हिंदुओं का खाना है। वीडियो में ये मीट वगैरह खाने की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी आटा तो पाकिस्तान में बहुत है, न जाने क्यों हंगामा कर रखा है कि आटा नहीं है, मगर हम ये बताते चलें कि जी आटे की कीमत तो जाहिर है कि जैसे बढ़ती जा रही है, मगर साथ साथ रोटी की कीमत भी जो है वो लाहौर में 5 रुपए बढ़ा दी गई है। अब रोटी वहां पर आम सी रोटी जो होती है, सादी रोटी, यानी कोई ऐसी नहीं रोगनी या कोई स्पेशल नहीं, वो जी अब 20 रुपए की मिलने लगी है। मुझे नहीं पता लाहौर वाले इतने क्या उतावले हो रहे हैं ये बताने में, क्योंकि इस्लामाबाद में तो पहले 30 रुपए की मिल रही है। दाल चावल तो हिंदू खाता है, हिंदू खाएगा दाल चावल, खाने दो उसको, सब्जियां खाएगा, वेजिटेरियन है। तो मैं बचपन में 15 साल तक मैंने गोश्त नहीं खाया है, फिर मैंने अपने आप को गोश्त खाने का यही सोच के आदि बनाया कि अल्लाह की तरफ से जितनी दावतें होती है गोश्त ही होता है। जी ये था मौलवी पाकिस्तान का, और इसका कहना है कि जी दाल चावल और सब्जी तो हिंदू खाते हैं। दाल चावल और सब्जी सभी खाते हैं, इसमें किसी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, मगर इन मौलवियों के दिमाग का क्या किया जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। यहाँ तक कि मुझे खुद जो है ना दाल चावल बहुत पसंद है, स्पेशली काली दाल मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छी बना भी लेती हूँ, लेकिन ये मौलवी क्या बेकार की बातें कर रहा है ये तो आपने सुनी ही। खैर आज बहुत टाइम के बाद कुछ मौलवियों के क्लिप मिले, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, एक मौलवी और है उसको सुनते हैं। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले, थोड़ा सीमत के बैठे, ज्यादा फैल के ना बैठे, कि बाद उसका पानी जो वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात जरूरी है, सांस ज्यादा ना ले। जी तो जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो मुस्लिम्स हैं जो रोजे रख रहे हैं, उन सबसे मैं बताऊंगी कि ये वीडियो जरूर देखिए, और अगर आपने रोजा रखा है तो सांस ज्यादा मत लीजिए। मतलब कुछ भी मौलाना साहब कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं रमजान के बारे में वो भी सुन लेते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, रोजा रखेंगे आप? रोजा तो रखेंगे यार, रोजे का ये मसला है, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, तो मैं यार भूखे का मसला है, तो मैं मोटा आदमी हूँ, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता यार। अच्छा रोजा, हाँ जी बाप, बिल्कुल बहुत मसला है। फिर आप तरावी तो पढ़ेंगे, क्योंकि मौलवी साहब बड़ा लम्बा खड़ा करते हैं तो टांगों में कोड़वाल पाक जाते हैं, तो फिर यार मसला है ना, लम्बा खड़ा करते हैं, 20 तरावियां पढ़ना कोई आसान काम गेम तो नहीं है। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल है। अच्छा आप फिर अफ्तारी करेंगे? अफ्तारी भी होती है शाम को? अफ्तारी तो इंशाल्लाह करेंगे, मैं कोई हिंदू हूँ जी, मैं कोई सिख हूँ, मैं अफ्तारी करूंगा माशाल्लाह, अफ्तारी तो स्वाब का काम है, मुसलमान मुसलमान हूँ ना मैं। जी जी अल्लाह का शुक्र है, चले ठीक है, ठीक है चाचू जान, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली और पाकिस्तान के वैसे बाकी इलाके भी आटे के बहरान का शिकार हैं, लोग सस्ता आटे के पीछे बेचारे ख्वारगुजार हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे थोड़ा सा मुफ्त आटे का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके हुसूल के लिए यानी उसको हासिल करने के लिए आपको क्या तगोदो करनी पड़ती है, बहुत अफसोसनाक है। अभी तक गुज़िश्ता 2 दिनों में काफ़ी सारे लोगों की जानें गई हैं, 8 से ज्यादा लोग जख्मी इस बाग दौड़ में हुए हैं कि हर कोई कोशिश करता है कि यार उसको ये मुफ्त का आटा या सस्ता आटा जो है ये वो मिल जाए और वो अपने बच्चों के लिए ये ले जाए। रमजान का महीना शुरू हो चुका है, वैसे तो
दुनिया भर में लोग कहते हैं कि जी रमजान आता है तो बहुत सारी ऑफर्स लग जाती हैं। अफसोस के साथ पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे अगर कोई रिलीफ होता भी है तो वो रिलीफ वापस ले लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि यार ये वैसे इसको कहते हैं ना लूट का महीना, यानी आप अच्छाइयां लूट सकते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ ये होता है कि वो कहते हैं लूटो। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की मईशत, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब मुमालिक इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी तमाम की तमाम कोताहियां तमाम के तमाम मसाइल नजरअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं जब आपकी मईशत तगड़ी हो, और मईशत तगड़ी हो तो फिर बाकी मुमालिक के चुप साध लेते हैं अगर इंडिया जैसा मुल्क भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा हो। तो मईशत पे बात करेंगे। IMF से मुजाकरात इख्तिताम की तरफ पहुंच गए हैं जी, आयशा गौस पाशा साहिबा ये फरमाती हैं। उसके बाद IMF का मुआहदा हतमी होते 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 साइड ट्रैक होता हुआ नजर आता है, फिर कहते हैं दोस्त ममालिक से जो पैसे लिए हुए हैं उन पैसों के या तो रोल ओवर कर रहे हैं वो लोग या उसका कोई सिस्टम बनाकर हमारे सामने लेकर आए। जर्रे मुबादला के जखायर अभी हमारे पास सिर्फ 4.3 अरब डॉलर रह चुके हैं स्टेट बैंक के पास। पाकिस्तान अप्रैल के अंदर 31.60 करोड़ के कर्जे उसको अदा करने हैं। अब अप्रैल के महीना आने में तो चंद ही दिन रह गए हैं डॉक्टर साहब, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को जैसा कायदे आजम ने सोचा था और आज जैसा पाकिस्तान है और पाकिस्तान की बका के लिए पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये जो इकोनॉमी इस स्टेज पे खड़ी है इसको हम टर्न अराउंड कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए अनिका, मेरे नजदीक जो हमारा बुनियादी मसला है वो माशी है, वो सियासी है, वो माशी नहीं है। सियासत की बुनियाद के ऊपर जो फैसले किए जाते हैं उसका मईशत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और उसके नतीजे में हम आज खड़े हैं जहां आज खड़े हैं। हमें हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी ही पॉलिसीज की गलतियों के नतीजे में जब हमारे पास डॉलर का एक संगीन शदीद किस्म का फुकदान हो जाता है फिर हम मजबूर हो जाते हैं IMF के पास जाने के लिए। अब दूसरी चीज ये ध्यान में रखिए कि IMF जो है उसका मैंडेट ये नहीं है कि उसने पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मईशत को सीधे रास्ते पे जाना। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे ममालिक में सियासत बड़ी गड़बड़ होती है और सियासत एक तसलसल का शिकार नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट माशी मामलात के ऊपर एक कंसेंसस जरूर होता है। वो कंसेंसस चाहे मीसा के मईशत का नाम दे दें या एक तसलसल पॉलिसी के तसलसल का नाम दे दें या वट एवर यू नेम इट, आपको वो यहाँ इन नियर फ्यूचर भी होता हुआ नजर आ रहा है? और अगर नहीं होता तो देन वॉट? देखिए आपने जिक्र किया बहुत सारे ममालिक में क्या होता है, आप नजर दौड़ाइए तो 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के और मोस्टली मुल्कों के अंदर 3 एक्टिविटीज आपको होती हुई नजर आती है। सियासत हो रही होती है, साथ में माशी पॉलिसी तश्कील दी जा रही होती है, साथ में सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। उस हवाले से पाकिस्तान की जो रियासत है वो कुछ एबनॉर्मल स्टेट बनती जा रही है। यहाँ पे आपको सियासत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, सियासत सियासत और सियासत, ना माशी पॉलिसी बनाई जा रही है ना सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर कोई गौर फिक्र होता है। तो ये सिर्फ सियासत सियासत और सियासत के ऊपर रियासत का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक माशी पॉलिसी और उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी पॉलिसी भी ना बनाई जा रही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।